Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Pathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक CBSE स्कूल के क्वेश्चंस पेपर क्लास सेकेंड EBS से 2023 के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ए, फार्म एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स आर टुगेदर नोन एज. फार्म एनिमल एंड पेट एनिमल्स को एक साथ क्या कहा जाता है, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स. नंबर बी, हु स्टडीज लॉ एंड फाइट केसेस. कौन कानून और फाइट की केसेस की स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट, फार्मर या लॉयर. नंबर सी, पीपल वर्शिप काउज ऑन दिस फेस्टिवल. इस फेस्टिवल में लोग गाय की पूजा करते हैं, कौन से फेस्टिवल में, ईद, बिहू या पोंगल. नेक्स्ट नंबर डी, दिस इज अ फ्लैश एटिंग एनिमल. इसमें से कौन सा फ्लैश एटिंग एनिमल है, काउ, टाइगर या डियर. एंड नेक्स्ट, वी कैन सी डिफरेंट शेप ऑफ इट एवरी डे. इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम रोज दिन प्रतिदिन अलग अलग शेप में देखते हैं, सन, मून या अर्थ. क्वेश्चन नंबर टू, पुट अ फॉर करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. वी एंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम इन समर सीजन. हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम समर सीजन में इंजॉय करते हैं. नंबर बी, वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम लोगों को जरूरत होती है सभी लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए. नंबर सी, वी वॉच मूवी ऑन प्रोग्राम ऑन रेडियो. हम रेडियो पर प्रोग्राम और मूवी देखते हैं. नंबर डी, रोजेज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक रबर. रोज और जैस्मिन का उपयोग रबर बनाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द फॉलोइंग, समर, सन, विंड या बॉइल्ड वाटर. ये मैचिंग हो जाते हैं, बॉल ऑफ हॉट गैसेस, स्वेटर लॉट, जम्स फ्री एंड वाइंड मिल्क. ये सारे मैच करने हैं हमें, कौन किसके साथ मैच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द पेयर. इफ मूस हिली एरियाज, यदि मूस हिली एरिया में पाए जाते हैं तो देन कैमल्स व्हाट. तो कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं. बी, इफ स्प्रिंग प्लीजेंट, स्प्रिंग सीजन प्लीजेंट होता, आनंददायक होता है तो देन ऑटम क्या होता है. इफ कोरिएंडर थीन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्ट्रीम, यदि कोरिएंडर की स्ट्रीम्स जो होती है पतली ग्रीन और सॉफ्ट होती है तो देन रोज की स्ट्रीम कैसी होती है. इफ स्नेक्स कार्निवेरस हैं तो देन प्रो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, सर्कल द ऑड वन आउट. इसमें से चार में से एक कुछ एक ऑप्शन अलग है जिसे हमें सर्कल करना है, प्लम्बर, मैकेनिक, कॉबलर, टीचर. नंबर बी, इंडिपेंडेंस डे, बैशाखी, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. सी, डॉग, पैरोट, लिपॉट, कैट. डी, मून, मरकरी, वेनस, मार्स. नंबर सिक्स, नेम्स द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. इन एनिमल्स के होम के नेम यहाँ पर हमें लिखना है, बियर्स के होम्स को क्या बोलते हैं एंड हेन के होम्स को क्या कहते हैं. राइट द टू यूजेज ऑफ वाटर. वाटर के दो यूज क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, आंसर इन वन वर्ड. इसके आंसर हमें एक वर्ड में देना है. व्हाट डू यू बी लाइक टू ड्रिंक इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में हम क्या पीना पसंद करते हैं. बी, व्हाट डू वी नीड टू ब्रेथ टू स्टे अलाइव. नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. वाटर के एक नेचुरल सोर्स के नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, Who am I? मैं कौन हूँ, मुझे पहचानना. I travel on foot to sell goods. मैं पैदल चलकर, पैरों से चलकर माल को बेचता हूँ, तो मैं कौन हूँ. B, I take sick or injured people to the hospital. मैं बीमार और injured people को हॉस्पिटल में देखता हूँ, तो मैं कौन हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द वर्ड यूजिंग द हिंट्स
using the hints given below. इसमें हिंट्स दिए गए हैं जिसको ये स्पेलिंग्स को हमें कंप्लीट करना है. नंबर ए, वर्क डन टू अर्न मनी. मनी कमाने के लिए हम वर्क करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं ये हमें कंप्लीट करना है. बी, टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए हम यूज क्या करते हैं इसके स्पेलिंग्स हमें कंप्लीट करना है. इट हैज नो लाइट टू ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी लाइट नहीं होती है तो कौन है यहाँ कंप्लीट करना है. एंड डी, मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर. मनुष्य के द्वारा बनाए गए सोर्स ऑफ वाटर क्या है तो उसको फिलअप करके हमें ये कंप्लीट करना था. तो ये था क्लास सेकेंड EBS की एनुअल पेपर की क्वेश्चंस पेपर. तो आई होप आपको ये पसंद है और प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं. साथ ही ओलंपियाड एग्जाम से प्रिपरेशन वर्कशीट भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे तो प्लीज इसे अवश्य देखें. थैंक यू.